दिल्ली में 24 घंटे में 6.44 बार पॉजिटिव थे। देश में एक सप्ताह में बढ़े 3 गुना मरीज। 12 सप्ताह के बाद सबसे ज़्यादा केस। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अब पूरी तरह से आ चुकी है। नेशनल कैपिटल में नए पॉजिटिव मामलों की दर से में सोमवार को 24 घंटे के करीब 6.46% का इजाफा दर्ज किया गया है। वैक्सीन का तीसरा डोज करें ऐसे लोग। कोविन ऐप पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पुराने अकाउंट से ही सबमिट कर सकेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 10 जनवरी से 60 साल के ऊपर की बीमार बुजुर्गों, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अधिकांश डोज यानी वैक्सीन की तीसरी खुराक देने की शुरुआत हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट को घंटा कहने के बाद मोहम्मद हाफिज ने मैच फिक्सिंग कर दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद क्रिकेट उत्सवी भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान दिया। हाफिज ने संन्यास की घोषणा करने के बाद लाहौर प्रेस में कहा कि वह अपने इस रूप पर कामयाब है कि मैच फिक्स करने वाले और देश को धोखा देने वाले खिलाड़ी को कभी खेलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हाफिज ने कहा कि मेरे लिए करियर का सबसे बड़ा निराशा और पीड़ा तब थी जब मैंने और अजहर अली ने इस मुद्दे पर स्वाधिक रवैया अपनाया, लेकिन बोर्ड ने अध्यक्ष ने हमें बताया कि अगर हम नहीं खेलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं।